नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल को ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपसे जब बात हुई है तो आपने बताया है कि जो कार्य क्षेत्र है उसमें उतार चढ़ाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये चीज़ दिख भी रही है। आप अगर देखेंगे, आपकी जो ये रिंग फिंगर है जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, इसका जो ये जड़ वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जब ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके जीवन पर पड़ता है। किस प्रकार से प्रभाव दे रहा है ये, कहीं ना कहीं चाहे आपका शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये संघर्षमय है। आपके जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपके जीवन का जो उत्साह है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। दूसरी बात, जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, सूर्य जो है इस प्रकार से बैठा हुआ हो, बलवत न हो व्यक्ति की हथेली में, जन्म पत्री में या जन्म कुंडली में, तो जो प्रयास व्यक्ति करता है वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है। यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहे हैं, जो वास्तविक प्रयास आप कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो पराक्रम आप दिखा रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार की मेहनत है, जिस प्रकार का परिश्रम है, उसके अनुसार पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, वो नाम और यश, वो ब्रांड नहीं बन पाता है व्यक्ति जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है। अब दूसरी चीज है, कार्यों में विलंबता आना, अड़चन आना। अगर आपने कोई काम शुरू किया, आपका सूर्य इस प्रकार से है, कुछ दिन काम ठीक चलेगा, इसमें जैसे ही ऊपर की ओर उछाल मारने बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे घटित हो जाएगा कि फिर आप उसी स्थान पे आ जाएंगे जहां से शुरू किया था और फिर वहां तक पहुंचते ही दोबारा उसी स्थान पे आ जाएंगे। माने आप रेंगते रहेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलती है, कार्य होते होते बनते बनते रह जाते हैं, विलम्ब होते हैं, व्यक्ति वहीं घूमता रह जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, मानी चीज़ों में सफलता नहीं मिलती है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं हैं, उभर कर नहीं आ रही हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? आपको सूर्य क्रिया करने की ज़रूरत है, सूर्य की पूजा करने की ज़रूरत है। सूर्य क्रिया मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं यार इससे क्या होगा, क्योंकि वो बहुत सरल होती है, लेकिन उसमें अनुशासन रखना पड़ता है, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो सटीक पड़ता है। क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया है लोगों का वो बहुत सुखद है, इसलिए मैं बहुत उत्साहपूर्वक बोलता हूँ, गारंटिड इस चीज़ को बोलता हूँ, अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, योग ध्यान क्रिया उसके साथ करते हैं, तो जीवन के हर आयाम में आपको सफलता मिलती है। और लोगों का जो मेरे पास फीडबैक आया है, जो फ़ोन करके लोगों ने, व्हाट्सअप करके मुझे बताया है, कमेंट करके मुझे बताया है, वो एकदम एक्यूरेट है चीज़ें,
और इसके लिए आज भी लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, और मैं देता हूँ तो फिर कहेंगे कि यार फ़ायदा तो हुआ नहीं है, क्योंकि करेंगे नहीं। ये बहुत अनुशासित वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं दूंगा। 5 मिनट सुबह का है, 5 मिनट शाम का है, सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया करिएगा, जीवन में सफलता निश्चित है। देखिएगा अभी सूर्य इस प्रकार से है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है। साथ में देखिएगा जो आपका ये चंद्रमा है, ये मन का कारक होता है, ठीक है ना, और इसमें इस प्रकार की लकीरें हैं, ये यात्राओं को दिखाता है। अब वो यात्राएं संघर्षपूर्ण यात्राएं भी हो सकती हैं, वो यात्राएं अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन जीवन काल में यात्राएं भी हैं, छोटी छोटी है, दौड़ा भाग वाली। यहाँ पे ये भी अनबैलेंस है, और आप इसको देखो, शुक्र आपका नुकीला नुकीला हुआ है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों मिलकर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव जीवन पर डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा पे देखेंगे इस तरह का एक योग का चिन्ह बन रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष तक मानसिक रूप से ये संघर्ष देगा ही देगा, चाहे आप लाख प्रयास कर लें, कभी ठीक रहेगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से संघर्ष रहेगा, चाहे आंशिक रहे लेकिन रहेगा। इसीलिए मैं आपको योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ कि उसका नेगेटिव प्रभाव जीवन पर ना पड़े, आपकी खुशियों में कमी ना आए, आपका उत्साह में कमी ना आए, ऊर्जा में कमी ना आए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कैप आप जो है बाहर कर लें। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र एक ही साथ जो है चीज़ें हैं, प्लस मस्तिष्क की में योग का चिन्ह ये बता रहा है कि कुछ समय तक आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित होंगे, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और कई बार जो है इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। चंद्रमा जिस प्रकार से है, मन कमज़ोर होगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कई बार मन विचलित अवस्था में रह सकता है, इस बात की संभावना है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चंद्रमा जितना ज़्यादा निगेटिव होता जाता है, माँ के होते हुए भी माँ का सुख पूरी रूप से प्राप्त नहीं होता है, चंद्रमा खराब होता है, और जितनी ज़्यादा ये खराब स्थिति में आने बैठ जाता है, नींद आने में दिक्कत की संभावना को जन्म देता है। तो आपको मैं उपाय विधिवत तरीके से दूंगा और एक रूटीन के हिसाब से दूंगा, जिससे चीज़ें बहुत बेहतरीन हो, और जब ये इस प्रकार से नुकीला उठा हुआ हो तो मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति जो है उलझन में रहता है, चीज़ें सुलझती नहीं है बल्कि उलझती जाती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है, और जो वास्तविक सुख है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, ये सुखों में कमी करता है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जो वास्तविक सुख है जीवन का, तो उसके लिए शुक्र को जो है ठीक करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर देखिएगा एक चीज बहुत खूबसूरत है आपकी हथेली में, बहुत खूबसूरत, अगर ये चीज बहुत खूबसूरत है, जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे आप, और बहुत ही जल्दी। यहाँ पे देखिएगा आपका अंगूठा, पहले तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ है, और कार्य के प्रति जो है जिद भी, ये बता रहा है कार्य के प्रति जिद भी है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, जुझारोपन भी है, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा ना हो तब तक छोड़ते नहीं हैं, कार्य के प्रति जिद भी साफ दिखाई दे रही है, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी आपकी बहुत अच्छी है, लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को देने में माहिरता हासिल है, दूसरों को लॉजिकल तरीके से समझाने में भी माहिरता हासिल है, और
मांसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं। दोनों के बीच में एक यव का साइन भी है, भावुकता भी आपके अंदर है, निष्ठुरता क्रूरता आपके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं जो है भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अंगूठे में जो है इस प्रकार की यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, किसी की इससे भी ज़्यादा रहती, किसी की इतनी ही रहती, किसी की रहती सबकी है लेकिन दिखती नहीं है। यहाँ पे ये जीवन काल के 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जीवन काल में उतार चढ़ाव और संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को दिखाता है। 41वें वर्ष तक, 42वें वर्ष से पहले तक ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। निश्चित रूप से नुकसान होता है और कई हाथों में मैंने देखा है इस चीज़ को, हथेलियाँ आई है और अंगूठा इस प्रकार से है और 42वें वर्ष से पहले उन्होंने व्यापार किया है और नुकसान झेला है और मजबूरी हो व्यवसाय करने की तो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा 42वें वर्ष से पहले नहीं मिल पाता है। और कार्य करना हो तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। पार्टनरशिप में कार्य चाहे थोड़ा भी कहीं पे पार्टनरशिप आ जाए, वो कार्य खत्म होना है, दूषित होना है, ध्वस्त होना ये निश्चित है। आपकी हथेली में पार्टनरशिप में कार्य करना नहीं लिखा है। जब भी आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करेंगे वो उसमें नुकसान आप झेलेंगे और बहुत बड़ा नुकसान झेलेंगे। इसलिए याद रखें जीवन काल में आप पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना आएगी, तो इसके लिए क्या करना है, आपने योगा इत्यादि करना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक, दो और तीन, ठीक है, और चार कट हैं। अचानक जीवन में 42वें वर्ष से बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी चीज़ों में 42वें वर्ष से बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं होंगे, क्या होती है गरीबता आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन जब आप तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी जो अभी तक रंच मात्र भी नहीं थी। आंशिक रूप से भी आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 42वें वर्ष से तरक्की की सीमा को तय करेंगे, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, ये चीज़ घातक है, क्योंकि आपको पता कम लगेगा, क्योंकि धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आएगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका अंगूठा जीवन काल के 42वें वर्ष से, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो धन भाग में शुक्र बैठ रहे हैं 42वें वर्ष से, और शुक्र क्या चीज़ है, अरे ये लग्जरी लाइफ को देता है, ये व्यक्ति को अरबपतियों की करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाला बनाता है। धन के लिए आपका अंगूठा 42वें वर्ष से बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है जीवन काल के 42वें वर्ष से। अचानक बहुत बड़ी तरक्की भी है और बहुत बड़ी जो है विशेष सफलता भी 42वें वर्ष से आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। शुक्र का धन भाग में जो है लग्जरी भाग में बैठ रहा है तो लग्जरी का टेस्ट आपको देगा। अब यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, इनके कारण ही आपका जीवन बचा हुआ है, क्योंकि ये लगातार पराक्रम को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अंदर। पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव क्यों ना पड़े, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी रूप में हो, दृढ़ रहेंगे। मंगल के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ झुकाव ले रहे हैं, मनुष्य शनि की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जितनी ज़्यादा दौड़ेंगे उतने ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है, परिवार को लेके भी कुछ ना कुछ चिंताएं आपके मन में रहने वाली हैं, पारिवारिक समस्याओं को भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याएं रहने वाली हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है रेखाएं जा रही हैं, अध्यात्म की रेखाएं हैं ये, अध्यात्म के प्रति जो है व्यक्ति सजग रहेगा। अभी साधारण भाव में आ गया है, लेकिन आने वाले समय में ये पुष्ट अवस्था में आएगा, जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। शनि आपका ठीक है, शनि आपका खराब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य एक और चीज़ बता रहा है, जिस प्रकार से जो है इसमें लकीरें हैं, जीवन काल में 41वें वर्ष तक कर्जा न लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर लेते भी हैं तो जिस काम के लिए ले रहे हों उसी में लगाइएगा, इधर उधर मत लगाइएगा, अन्यथा कर्जे के भंवर में डूब सकते हैं और इससे उभर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो और इससे थोड़ा मानसिक परेशानी जन्म ले सकती है और संघर्ष जन्म ले सकता है। तो मैं सूर्य की बहुत सुंदर उपासना, सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, करने की बहुत अच्छी कोशिश करें। बुध, बुध में थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस होने बैठ गया है, मानी जो वाणी की शक्ति है कहीं ना कहीं उसमें फर्क पड़ेगा, जो आकर्षण करने वाली चीज़ें रहेंगी और जो बिजनेस वाली चीज़ें हैं उसमें कुछ समय तक मध्यम अवस्था रहने वाली है, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। जीवन में मणिबंध देखें अभी बहुत ज़्यादा दूषित है, ये क्या बता रहा है कि जीवन में कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष बना रहेगा, इसको नहीं मिटा सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखें ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, धार्मिकता भी आपके अंदर है, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना भी आपके अंदर है, निष्ठुरता क्रूरता आपको नहीं छुएगी जीवन में, और जीवन के किसी खूबसूरत कोने पर दयालुता बैठ रखी होगी, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, कर्मशील व्यक्तित्व है, कर्म प्रधान व्यक्ति हैं आप, और इसका फायदा आने वाले 42वें वर्ष से आपको मिलेगा बहुत श्रेष्ठ अवस्था में। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ, सूर्य की उंगली, यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को भी ये बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखें आपकी ये उंगली और बृहस्पति की उंगली दोनों बराबर हैं, दोनों में डिल फिंगर से छोटी हैं। जीवन में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी की अगर बात करें जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही है आपका, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा और लंबा पड़ेगा और ये प्राकृतिक है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, चाहे कोई अंगूठी पहनाए या कोई तंत्र मंत्र दे, कुछ नहीं होता है। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है,
तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रखरखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों में जो है थोड़ा कमी को दिखा रही है। इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा नाखून अगर यहाँ तक बढ़ाएं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। बाकी देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर सीधी जा रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। और नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी, जिस भी फील्ड में जाएंगे उसकी नॉलेज आपको बहुत डीपली रहने वाले हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम के मामले में देखें तो सचमुच में हृदय की गहराई से आप प्रेम करते हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप, और स्वाभिमानी भी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। लेकिन देखिएगा, जीवन में प्रगति तभी होगी जब आपका सूर्य ठीक होगा। अगर सूर्य डाउन रहा तो चीज़ें विलंब में जाएंगी, अड़चन में जाएंगी, और काम वहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे उछाल करने बैठ जाएगा कोई ना कोई अड़चन आएगी, फिर उसी स्थान पे आ जाएगी। तो इसके लिए सूर्य को ठीक करना है। यदि आपका सूर्य ठीक हो जाता है, और निश्चित तौर पर सूर्य क्रिया से ठीक होगा, बहुत योग ध्यान क्रिया से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और जीवन के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की को आप पाएंगे। और ये रेखा बता रही है बृहस्पति से युक्ति बनाने पे, 42वें वर्ष के बाद से, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, एक लग्जरियस जीवन आने वाले समय में व्यतीत करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ा ईश्वर की शरणागति चले जाएगा। मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, न कोई योजनाएं बनाते रहते हैं, और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन अभी 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे मानसिक संघर्ष बना रहेगा, चाहे आंशिक रूप से रहे, तो योग ध्यान क्रिया इसमें आपकी मदद करेगी, ये निश्चित है। जीवन की रेखा इस तरह से है, बहुत सुंदर। जीवन में निरंतर उन्नति का ये द्योतक है, और केयरिंग वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जा रही, ये भी अत्यंत सुंदर है, लेकिन अभी उदयमान स्थिति में है। इसका फल भी 42वें वर्ष से मिलेगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूपे मिलने वाला है। जीवन में भगवान की जो कृपा है उसकी अनुभूति होने वाली है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, और ऐसा व्यक्तित्व तो जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से आपका व्यक्तित्व तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, और पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा निखर कर आने वाली है, हनुमान जी के साक्षात कृपा। करियर और धन की रेखा इस तरह जा रही है, लेकिन एकाएक इस पर मिल रही है, फिर इस तरह से जा रही है, फिर भी इस पर मिल रही है। जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से रहती है तो जब तक इसका प्रभाव रहता है तब तक करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व आता ही नहीं है, और उतार चढ़ाव व्यक्ति अपने जीवन में लगातार झेलता है। कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी उससे भी बहुत अच्छा रहता है, कभी एकदम सीधा से नीचे डाउन पे चला जाता है, माने अस्थायित्व नहीं आ पाता है, उतार चढ़ाव, विलम्ब ऐसे लोगों के कामों में आती हैं, अड़चनें आती हैं। उस स्तर पे काम पहुंच जाता है लेकिन होते होते रह जाता है। इस प्रकार की ये करियर और धन की रेखा है। महालक्ष्मी की पूजा करनी है, और निश्चित तौर पे करनी पड़ेगी, तभी फल मिलेगा। देखिएगा, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा पे आके अचानक रुक रही है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं बिना एनालिसिस किए, बिना सोचे समझे,
या दूसरों की बातों में आके, जल्दबाजी में निर्णय नुकसानदायक होगा और आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी और उसको पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। फिर यहाँ से निकल तो रही है लेकिन हृदय रेखा पे समाहित हो रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये भी नुकसानदायक रहेगा और अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे, फिर उसको पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा कुप्रभाव दे रही है, इसका समाधान जरूर करें। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, मैंने पहले भी बताया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। और जिस तरह से स्पष्ट सुंदर रूप में आ रहा है और इसका जब प्रभाव पड़ेगा तो आने वाले समय में आपके पास निश्चित तौर पर ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा आपका, चकाचौंध रहेंगे, ये आपका शुक्र बताता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें हमने सारी बता दी हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय और क्रियाएं में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, 3 महीने तक लगातार करें, 6 से 8 महीने के बाद आपको इसका परिणाम बहुत सुंदर रूप में दिखने बैठ जाएगा और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की आपके हाथ में है, उसका आप इंतज़ार करें और उस तरफ मेहनत करें। निश्चित ही ईश्वर ने चाहा तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।